नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष खांबिया और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने रीडिंग क्लासेस के इस चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स का मतलब है फुल फॉर्म। तो आइए अपन कुछ फुल फॉर्म्स डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और भी पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक आपने हमारा बेल आइकन नहीं प्रेस करा है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस देखने का मौका मिलेगा। और हमारी वीडियोस को प्लीज जरूर लाइक करेगा, ये हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर किसी सुधार की जरूरत है तो वो भी आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। तो हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। फर्स्ट एक्रोनिम है NIRF। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। सेकेंड NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। थर्ड HADR, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। फिफ्थ ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। सिक्स्थ TOR, टर्म ऑफ रेफरेंस। सेवेंथ CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एट्थ क्वेश्चन ITAT, इसका फुल फॉर्म है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे ये वाली वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम कल फिर मिलेंगे GK के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बाय बाय।